हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम। राइट, हिल क्लाइंबिंग एक सर्च एल्गोरिथम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, विच इज कॉल्ड अ लोकल सर्च एल्गोरिथम। राइट, सो लोकल सर्च एल्गोरिथम है। हिल क्लाइंबिंग मीन्स कि हिल के ऊपर क्लाइंब करना। राइट, सो इसी इसका नाम इससे काफ़ी सिमिलर है इसके वर्किंग से, विच मीन्स कि ये उसी डायरेक्शन में मूव करती है जहां पर इसे इंक्रीजिंग वैल्यूज मिलती हैं या एलिवेशन मिलती रहती है अंटिल इट फाइंड्स आउट द मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे जैसे एक अगर पर्सन है वो हिल के ऊपर क्लाइंब कर रहा है और उसे कुछ दिख नहीं रहा है, तो जब तक उसे फील होएगा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो उसे लगेगा कि हाँ वो हिल के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। टिल द टाइम ही रीचेस टू द पीक, वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर मूव करता रहेगा। जैसे ही उसे पीक मिल जाएगा, जब जब वो ऐसे लोकेशन पे पहुंच जाएगा जब उसके बाद उसे कोई ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो क्या एज्यूम कर लेगा कि वो हाईएस्ट लोकेशन पर पहुंच गया है। सो सेम इज द वर्किंग ऑफ द हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम, विच इज अ लोकल सर्च एल्गोरिथम। राइट, माउंटेन या बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये एलिवेशन या इंक्रीजिंग वैल्यूज की डायरेक्शन में मूव करता है। अभी टर्मिनेट कब करता है, जब कोई भी नेबर की हायर वैल्यू नहीं रह जाती है, खुद पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है। राइट, सो हिल क्लाइंबिंग अगेन एक एल्गोरिथम है जिससे हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एग्जांपल ऑफ हिल क्लाइंबिंग इज ट्रैवलिंग सेल्समैन्स प्रॉब्लम, जिसमें क्या करना होता है, जो सेल्समैन है उसके जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसे मिनिमाइज करना होता है। सो वो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की हेल्प से करा जा सकता है। सो हिल क्लाइंबिंग एक ऑप्टिमाइजिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। इसका एग्जाम्पल है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसमें जो सेल्समैन है उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल है उसे मिनिमाइज करवाना होता है। राइट, इसे हम ग्रीडी लोकल सर्च भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये अपना इमीडिएट नेबर को देखता है और उसमें ये फाइंड आउट करता है कि वो इससे बेटर है या नहीं। ये उससे अपने इमीडिएट नेबर से आगे ये देख ही नहीं पाता है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीडी लोकल सर्च। सो एक ग्रीडी लोकल सर्च है जिसमें कि इमीडिएट नेबर को ही देख पाता है, उससे आगे नहीं देख पाता। राइट, सो जो भी नोड होएगा हिल क्लाइंबिंग में, राइट, सो नोड में दो वैल्यू होती हैं, स्टेट और वैल्यू। सो एक तो स्टेट होती है नोड में और एक वैल्यू होती है। सो वी हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ द थिंग। सो जो हिल क्लाइंबिंग है इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ गुड ह्यूरिस्टिक अवेलेबल। सो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सिंगल करेंट स्टेट को रखता है और उसी को ही मेंटेन करता है, तो पूरे ग्राफ को हैंडल नहीं करना, उसे मेंटेन नहीं करना। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग। सो फर्स्ट इज जनरेट एंड टेस्ट वेरिएंट। राइट, हिल क्लाइंबिंग वेरिएंट है जनरेट और टेस्ट मेथड का। राइट, जो जनरेट और टेस्ट मेथड है इससे फीडबैक प्रोड्यूस होता है, जिससे फाइंड आउट करते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो जो जनरेट और टेस्ट है, GNT लिख रही हूँ मैं, ये क्या करता है, ये फीडबैक प्रोड्यूस करता है जिससे हमें डायरेक्शन पता लगती है। सो ऐसे ही हिल क्लाइंबिंग में क्या पता कर रहे हैं कि हम पता करते हैं कि हायर वैल्यू कहाँ पर है, राइट, एलिवेशन कहाँ पर है, जिससे हम नेक्स्ट स्टेट पे मूव करने की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। राइट, जो सेकेंड फीचर है हिल क्लाइंबिंग का, इट इज दैट इट इज अ ग्रीडी अप्रोच। राइट, सो जहां पर भी कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी, द डायरेक्शन इन विच कॉस्ट इज ऑप्टिमाइजिंग, इट इज गोइंग टू मूव इन दैट डायरेक्शन। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी। सो यहाँ पर कोई बैक ट्रैकिंग नहीं है, नो बैक ट्रैकिंग। राइट, सो ये प्रीवियस स्टेट्स को रिमेंबर ही नहीं करता, तो बैक ट्रैकिंग कर ही नहीं सकता। बैक ट्रैकिंग तभी होती है जब प्रीवियस स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, वो मेमोरी में स्टोर हो। सो इट इज नॉट गोइंग टू रिमेंबर द प्रीवियस स्टेट्स, सो नो बैक ट्रैकिंग। सो आपने देखा तीन फीचर्स हैं हिल क्लाइंबिंग के, ये जनरेट और टेस्ट का वेरियंट है जिसमें ये मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ गेटिंग हायर वैल्यू। राइट, ग्रीडी अप्रोच है, जहां पर भी कॉस्ट ऑप्टिमाइज होगी उस डायरेक्शन में मूव करेगा। राइट, और नो बैक ट्रैकिंग, क्योंकि ये प्रीवियस स्टेट को रिमेंबर नहीं करता है, तो यहाँ कोई बैक ट्रैकिंग पॉसिबल ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द स्टेट स्पेस डायग्राम फॉर हिल क्लाइंबिंग। सो आप देख पा रहे हैं जो स्टेट स्पेस लैंडस्केप है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हिल क्लाइंब एल्गोरिथम का,
जो कि हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ बिटवीन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड स्टेट स्पेस। वाई एक्सिस पर आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, या फिर इसे हम कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यही हमारा कॉस्ट फंक्शन है, राइट। और एक्स एक्सिस पर हमारे पास स्टेट स्पेस है, राइट। सो जो अगर वाई एक्सिस पर कॉस्ट कॉस्ट है, तो हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द ग्लोबल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम, राइट। सो अगर ये कॉस्ट ना होकर ये हमारे पास एफिशिएंसी होती, तो हमारे को ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता। ये जो ग्राफ है इसमें ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा हमारा ग्लोबल मैक्सिमम। पूरे ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये पॉइंट है, दैट इज माई ग्लोबल मैक्सिमम। इस पॉइंट को हम शोल्डर बोलेंगे, ये पूरा एरिया, राइट, जो स्ट्रेट पार्ट है। लेट सपोज जो हमारी करेंट स्टेट है वो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज करेंट स्टेट, राइट। करेंट स्टेट से किस साइड मूव करेगा? हायर वैल्यू की तरफ मूव करेगा, राइट, एंड इट इज गोइंग टू रीच द लोकल मैक्सिमम। सो यहाँ जो मैक्सिमम ये फाइंड आउट करेगा, सो ये मैक्सिमम होएगा हमारा लोकल मैक्सिमम, राइट। ये है हमारा फ्लैट लोकल मैक्सिमम। सो अब रीजन्स देखते हैं द स्टेट स्पेस लैंडस्केप। आपने देखा ये मैंने रीजन्स मार्क करें, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, व्हाट आर दीज। लोकल मैक्सिमम की बात करें, सो जो लोकल मैक्सिमम है ये अपने नेबर्स से कंपेयर करें तो एक बेटर स्टेट है, बट इससे ऊपर हायर वैल्यू भी रहेगी किसी ना किसी स्टेट की। सो देयर इज अनदर स्टेट विच इज हैविंग वैल्यू मोर देन इट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ग्लोबल मैक्सिमम की इससे ज्यादा वैल्यू है। इवन अगर हम यहाँ पर किसी स्टेट की बात करें, उसकी भी लोकल मैक्सिमम से ज्यादा वैल्यू है। सो ग्लोबल मैक्सिमम वो स्टेट है विच इज द बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ द स्टेट स्पेस लैंडस्केप, राइट। और इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, इट इज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो करेंट स्टेट है वो है स्टेट जहाँ पर एजेंट करेंटली प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारा एजेंट करेंटली प्रेजेंट है, इसे करेंट स्टेट बोल दिया। फ्लैट लोकल मैक्सिमम क्या है? इट्स अ फ्लैट स्पेस इन द लैंडस्केप जहाँ पर नेबरिंग स्टेट्स हैव द सेम वैल्यू। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेबरिंग स्टेट्स है, यहाँ पर सेम वैल्यू है। शोल्डर है एक प्लेच्यू रीजन, राइट, जहाँ पर एक अपहिल एज रहेगी। सो इट्स अ प्लेच्यू काइंड ऑफ रीजन, राइट। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एज टाइप है, सो दिस इज अ प्लेच्यू। सो नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग। सो हमारे पास अब तीन टाइप के हिल क्लाइंबिंग होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल हिल क्लाइंबिंग, देन वी हैव स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग, एंड देन वी हैव स्टोकास्टिक हिल क्लाइंबिंग। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ हिल क्लाइंबिंग विच इज अ सिंपल हिल क्लाइंबिंग, राइट। सो सिंपल हिल क्लाइंबिंग जिसका नाम ही बता रहा है, इट इज द सिंपलेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट हिल क्लाइंबिंग। सिंपलेस्ट वे में हिल क्लाइंबिंग को इम्प्लीमेंट करना मीन्स सिंपल हिल क्लाइंबिंग। सो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ नेबर नोड को इवेल्युएट किया जाता है, राइट, और उसकी स्टेट फाइंड आउट की जाती है, राइट। अब यहाँ पर करंट कॉस्ट के बेसिस पर ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। सो सिंपल हिल क्लाइंबिंग में क्या होता है, नेबर नोड स्टेट को इवेल्युएट किया जाता है, राइट। सो देखा जाता है करेंट स्टेट के साथ, ये लेट सपोज ये हमारी करेंट स्टेट है, ये हमारी नेबर स्टेट है, राइट। सो इवेल्युएट किया जाएगा नेबर स्टेट को, राइट, और फिर देखा जाएगा करेंट स्टेट से ज़्यादा ऑप्टिमाइज है ये नेबर स्टेट या नहीं, राइट। अगर नेबर स्टेट ज़्यादा ऑप्टिमाइज है तो नेबर स्टेट को करेंट स्टेट बना दिया जाता है। सो दिस इज बेसिकली द सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। सो ये क्या करता है, सिर्फ एक सक्सेसर स्टेट को चेक करता है, तो वन सक्सेसर स्टेट इज ओनली चेक, राइट। अगर ये सक्सेसर स्टेट करेंट स्टेट से बेटर है तो इस सक्सेसर स्टेट को ही करेंट स्टेट बना दिया जाता है, राइट। देन अदरवाइज ये करेंट स्टेट ही करेंट स्टेट रहती है, और जैसे ही नेबरिंग स्टेट को करेंट स्टेट बना दिया जाता है ये सेम काम आगे करने लग जाता है। सो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ये सिर्फ एक करंट स्टेट को नेबर स्टेट से कंपेयर कर रहा है, और ये ज़्यादा मेमोरी को स्टोर भी नहीं कर रहा है, राइट। सो इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो यूजिंग लेस मेमोरी, राइट। सो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज लेस ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये इसका डिसएडवांटेज है। और कभी कभी क्या होगा, सॉल्यूशन गारंटीड जनरेट भी नहीं करेगा, राइट। सो जो सॉल्यूशन है लेस ऑप्टिमल रहेगा, मे बी कभी कभी जनरेट ही ना करे। नाउ कमिंग टू द एल्गोरिथम। सो स्टेप वन इज कि इनिशियल स्टेट को इवेल्युएट करिए, अगर ये गोल स्टेट है तो सक्सेस रिटर्न करिए और स्टॉप कर दीजिए।
सो नेक्स्ट स्टेप इज लूप बनाइए, अंटिल देर इज अ सॉल्यूशन, यू फाउंड आउट अ सॉल्यूशन, तब तक लूप करते रहिए. नहीं तो सेकेंड कंडीशन इज दैट कि कोई ऑपरेटर ही ना बचा अप्लाई करने के लिए, तब तक लूप करते रहिए. नाउ कमिंग टू द स्टेप थ्री, राइट? सो स्टेप थ्री इज सिलेक्ट एंड अप्लाई ऑपरेटर ऑन करेंट स्टेट. एंड स्टेप फोर, स्टेप फोर सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू स्टेट को चेक करेंगे, चेक न्यू स्टेट, राइट? सो यहाँ पर तीन चीजें चेक करनी है, राइट? इफ इट इज अ गोल स्टेट देन रिटर्न सक्सेस एंड क्विट, राइट? जो करेंट स्टेट वो गोल स्टेट है तो सक्सेस रिटर्न करिए और क्विट कर दीजिए, राइट? अगर जो न्यू स्टेट है बेटर देन द करेंट स्टेट है तो न्यू स्टेट को ही करेंट स्टेट असाइन कर दीजिए. सो एनएस मैंने लिखा है न्यू स्टेट, सीएस हैज करेंट स्टेट. सो अगर न्यू स्टेट इज बेटर देन करेंट स्टेट तो न्यू स्टेट को करेंट स्टेट असाइन कर दीजिए, राइट? थर्ड केस भी हो सकता है कि ये जो न्यू स्टेट है बेटर देन करेंट स्टेट नहीं है, देन यू हैव टू रिटर्न टू स्टेप टू, राइट? नाउ द लास्ट स्टेप, स्टेप फाइव इज एग्जिट, राइट? सो इस तरह से हम एल्गोरिथम समझ सकते हैं हिल क्लाइंबिंग की. तो बेसिकली क्या हो रहा है, करेंट स्टेट को नेक्स्ट स्टेट में हम तब डाल रहे हैं जब हमें पता लगेगा नेक्स्ट स्टेट बेटर है करेंट स्टेट से. सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ हिल क्लाइंबिंग, विच इज द स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग, राइट? इट इज जस्ट अ वेरिएशन ऑफ सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम. सिर्फ वेरिएशन है कुछ सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम में, राइट? ये क्या करता है, सारी नेबरिंग नोड्स को एग्जामिन करता है करेंट स्टेट के साथ, और उस नेबर नोड को सिलेक्ट करता है जो गोल स्टेट से क्लोजेस्ट है, राइट? सो ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेबर्स को ये चेक कर रहा है, राइट? सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वन नेबर इट इज गोइंग टू चेक द मल्टीपल नेबर्स. हिल क्लाइंबिंग में थोड़ा ही वेरिएशन लाया कि एक नेबर की जगह यहाँ पर मल्टीपल नेबर को एग्जामिन किया और उसको सिलेक्ट कर लिया विच इज द क्लोजेस्ट टू गोल स्टेट, राइट? सो यहाँ पर इट कंज्यूम्स मोर टाइम. इसके एल्गोरिदम देखें तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही इनिशियल स्टेट को इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि गोल है या नहीं. अगर गोल है तो सक्सेस रिटर्न कर देंगे, स्टॉप कर जाएंगे, करेंट स्टेट को इनिशियल स्टेट बना देंगे. स्टेप टू में फिर से लूप करेंगे अंटिल द सॉल्यूशन इज फाउंड और द करेंट स्टेट डज नॉट चेंज, राइट? सो अब यहाँ करें क्या करेंगे कि हम देखेंगे न्यू ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे और बहुत सारे जो इसके नेबरिंग स्टेट है उस पर चेक करेंगे, राइट? और नेबरिंग स्टेट पे हम देखेंगे एक पैरामीटर बना देंगे, उस पैरामीटर को गोल से रिलेट करेंगे और उसको हाईएस्ट वैल्यू जिस पे मिलेगी तो उसी स्टेट पर उसी नेबर को हम करेंट स्टेट बना देंगे. सो हाईएस्ट वैल्यू मिलना मीन्स कि वो स्टेट सबसे ज्यादा गोल स्टेट के पास है. सो लेट सपोज हमने एक पैरामीटर बना दिया एस यू सी सी सक्सेस. सो सक्सेस मीन्स कि सक्सेस वैल्यू जिसकी भी हाई रहेगी वो नियरेस्ट है गोल स्टेट के, राइट? सो इस हिसाब से हमने एक ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन करनी है जिससे कि वो नेबर चूज हो जाएगा जिसमें सक्सेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मींस वो सबसे क्लोजेस्ट रहेगा गोल स्टेट के. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ हिल क्लाइंबिंग विच इज अ स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग, राइट? ये क्या करते हैं, इट डज नॉट एग्जामिन फॉर ऑल ऑफ इट्स नेबर बिफोर मूविंग, राइट? ये क्या करते हैं कि कोई भी रैंडमली एक नेबर नोड को सिलेक्ट कर देगा और फिर ये देखेगा कि उसे करेंट स्टेट बनाना है या नहीं, या फिर दूसरी स्टेट को चूज करना है. सो ये क्या करेगा, सारी नेबर नोड्स को एग्जामिन नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली स्टीपेस्ट असेंट हिल क्लाइंबिंग में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था. सो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक रैंडमली कोई भी नेबर नोड को सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा वेदर टू चूज इट एज अ करेंट स्टेट और एग्जामिन अनदर स्टेट. सो नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स इन हिल क्लाइंबिंग. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट द लोकल मैक्सिमम, राइट? लोकल मैक्सिमम क्या है, एक पीक स्टेट है लैंडस्केप में, राइट? जिससे बेटर दूसरी स्टेट नहीं हो सकती है, राइट? सो यहाँ पर एक दूसरी स्टेट विच इज द ग्लोबल मैक्सिमम विच इज प्रेजेंट ओवर है. तो अगर हम स्टेट स्पेस डायग्राम देखें पर हमारे पास लोकल मैक्सिमम भी है, ग्लोबल मैक्सिमम भी है. सो लोकल मैक्सिमम एक पीक स्टेट है लैंडस्केप में विच इज बेटर देन इट्स नेबरिंग स्टेट, बट यहाँ पर से बेटर हायर स्टेट्स प्रेजेंट हैं जो कि है ग्लोबल मैक्सिमम. सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है लोकल मैक्सिमम की, राइट? अगर करेंट स्टेट लेट सपोज यहीं पर ही है, तो
अकॉर्डिंग टू हिल क्लाइंबिंग ये क्या करेगा, हाई हाई वैल्यूज चूज करेगा और लोकल मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा. उसके बाद क्या वैल्यूज हैं, लो वैल्यूज जा रही हैं, तो लो वैल्यूज पे तो जाएगा नहीं, राइट. सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन फॉर लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम इज बैक ट्रैकिंग. बैक ट्रैकिंग मीन्स जो प्रीवियस वैल्यूज है उसे स्टोर करना. अब इट इज अ सॉल्यूशन, ये कैसे सॉल्यूशन होगा कि ये एक लिस्ट बना देगा एक पाथ की, जिससे कि एल्गोरिथम बैक ट्रैक कर ले सर्च स्पेस को और दूसरे पाथ को भी एक्सप्लोर करे, राइट. सो जब भी हमें दूसरे पाथ को पीछे जाकर एक्सप्लोर करना है हमें बैक ट्रैकिंग यूज करनी पड़ेगी. सेकेंड प्रॉब्लम क्या आ सकती है, दैट इज प्लेट्यू, राइट. ये प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू होता है एक फ्लैट एरिया सर्च स्पेस पे. आपने फिर से सर्च स्पेस देखा होगा. सो प्लेट्यू क्या है, फ्लैट एरिया सर्च स्पेस का, राइट. तो जहाँ पर जो नेबरिंग स्टेट है और करेंट स्टेट है उनकी सेम वैल्यू है. सो नेबरिंग स्टेट और करेंट स्टेट में सेम वैल्यूज है, सो इस पोजीशन को हम बोलेंगे प्लेट्यू. सो इस कंडीशन में क्या होएगा, सो यहाँ पर बिकॉज एल्गोरिथम डज नॉट फाइंड एनी बेस्ट डायरेक्शन टू मूव, एल्गोरिथम को बेस्ट डायरेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी सारी नेबरिंग वैल्यूज क्या है, सेम वैल्यू. तो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा उसे सेम ही वैल्यू मिलेगी. सो एल्गोरिथम क्या करेगी, हिल क्लाइंबिंग जो सर्च एल्गोरिथम है इट विल बी लॉस्ट इन द प्लेट्यू एरिया, राइट. सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन इज टू टेक बिग स्टेप्स या फिर बहुत छोटे स्टेप्स, बिग स्टेप्स और लिटल स्टेप्स. सो जब भी आप सर्च कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम को, सो एक स्टेट चूज करिए जो बहुत दूर है करेंट स्टेट से और फिर देखिए कि वो प्लेट्यू रीजन है या नहीं. सो जब आप रैंडमली एक स्टेट सिलेक्ट करेंगे जो कि बहुत दूर है करंट स्टेट से, सो इट माइट बी पॉसिबल कि आप देखें कि ये नॉन प्लेट्यू रीजन है, राइट. सो प्लेट्यू कैसा रीजन होएगा, ऐसा. सो यहाँ पर ये जो ये फ्लैट रीजन है ये हमारा प्लेट्यू रीजन है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, दैट इज द रिजेस. रिज क्या होता है, इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लोकल मैक्सिमम, राइट. जो यहाँ पर क्या होता है, एरिया इज हायर देन सराउंडिंग एरिया बट इसके पास खुद भी स्लोप होता है. सो यहाँ पर क्या है, जो रिज एरिया है ये स्पेशल फॉर्म है लोकल मैक्सिमम का. सो इसको समझते हैं, जैसे लेट सपोज हम एक हाइट पे पहुंचे, सो यहाँ पर देखा ये लोकल मैक्सिमम है बट ये 3D डायग्राम है. 3D डायग्राम मीन्स ये थोड़ा यहाँ पर भी स्लोप है. सो एक्चुअल मैक्सिमम कहाँ पर है, एक्चुअल मैक्सिमम तो यहाँ पर था, राइट. पॉइंट बी एक्चुअल मैक्सिमम है बट हमारी करंट स्टेट अगर यहाँ पर है तो मैक्सिमम ए पॉइंट पर ही रीच कर सकते हैं. सो बी पॉइंट पर रीच करना मुश्किल हो जाएगा. और ये जो ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास सराउंडिंग में हायर एरिया है या स्लोप है, तो दिस इज रिज, राइट. सो यहाँ पर इस टाइप की हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बाई डायरेक्शनल सर्च, राइट. जब एक से ज्यादा डायरेक्शन में सर्च करेंगे तो इस प्रॉब्लम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या है, इसकी बेसिकली एल्गोरिथम में प्रॉब्लम्स स्टेट्स क्या है, राइट. डिफरेंट स्टेप्स क्या है, फीचर्स क्या है, स्टेट स्पेस क्या है, राइट. देन हमने देखा था टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग, सिंपल हिल क्लाइंबिंग के एल्गोरिथम के डिफरेंट स्टेप्स डिस्कस करे थे. Then steepest ascent hill climbing and stochastic hill climbing is also there. Problems in hill climbing algorithm हमने discuss करा detail में. So here I am winding up this session. अगर आपको कोई doubt रह गया तो अपने doubt को comment section में डाल दीजिए. I'll be trying to resolve your doubt as soon as possible. I hope आपको इस session पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है like करिए, channel को subscribe करिए and also share it with your friends too. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मीन्स एंड एनालिसिस, विच इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट. सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.